ओके वाओ गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कंचन द्वांगन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, कंचन ऑफिशियल 68 के नाम से। तो अभी मैं आई हूँ एक ब्यूटीफुल जगह जहाँ अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा बहुत सारे जितने भी बर्तन हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ मिट्टी के सिर्फ बनते हैं यहाँ। और फिर ज़्यादा दूर पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर जयनगर विश्रामपुर पर एकदम ही पास में, अंबिकापुर के एकदम ही पास में। तो आज मैं 3 वीडियो शूट करने वाली हूँ। पहली वीडियो मैं शूट की गार्बेज कैफ़े में जाके मॉर्निंग पे, और अभी मैं आई हूँ माटी कला केंद्र आई हूँ। थर्ड अभी जाऊँगी फिश पॉइंट जाऊँगी। तो अभी मैं सोचती हूँ कि क्योंकि एक ही जगह पास में है तो सोची वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रही मिट्टी कला, पूरे हाथ से बनाते हैं यहाँ। और इतने सारे अभी मैं अंदर जाकर देखी हूँ, बहुत सारे ब्यूटीफुल मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो बना रहे हैं सिर्फ हाथ से बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इतने ज़्यादा पूरे मिट्टी के कप नज़र आ रहे हैं और मिट्टी के प्लेट, मतलब जितने मैं बता रही हूँ ना, आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा बन रहा है। और मैं भी इनसे मिलवाती हूँ उनसे, और आप लोग देखिएगा कि क्या क्या यहाँ बनती है। आप लोग प्लीज़ यहाँ से सप्लाई लीजिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे बाहर से चीज़ें रायपुर बिलासपुर से कहीं ना कहीं से मंगाते हैं, लेकिन ये हमारे आसपास में ही हो रहा है, विश्रामपुर जयनगर में ही बनता है ये। ये भैया हैं, ये बताएंगे यहाँ के बारे में क्या है कैसा है। जी मैं विकास अधिकारी हूँ यहाँ का जी, और ये ग्लेजिंग यूनिट माटी कला बोर्ड जी, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के द्वारा संचालित है जी। और अब बताइए आप क्या जानकारी चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको जी। मेरे को ये जानकारी है कि मतलब इसको कब से आप लोग चालू किए हैं? ये एक साल हो जा रहा है। एक साल हो गया है। और क्या 2019 से चालू किए हुए हैं। और क्या क्या बर्तन यहाँ पे बनाते हैं आप लोग? थाली सेट है, थाली सेट में आपको कटोरी, 3 कटोरी मिलेगा जी, दो बड़ा कटोरी मिलेगा जी, 3 छोटा कटोरी मिलेगा जी, एक गिलास मिलेगा, एक चम्मच मिलेगा, ये थाली सेट हो जाता है जी। हाँ। और टी सेट है, टी सेट में शुगर पॉट मिलेगा आपको, एक केतली मिलेगा जी, और 3 कप मिलेगा, 3 प्लेट मिलेगा जी। और ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये इतना सारा आप लोग बना रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तक जा, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में जा रही है, पहुँच रही है? ये अभी लोकल सभी कैटरर्स आते हैं जी, वो लेके जाते हैं वो, और जैसे गढ़ कलेवा है यहाँ सूरजपुर जिले में, वहाँ जाता है, और अंबिकापुर से कैटरर आते हैं, मतलब कैटरर्स आते हैं और कुछ लोकल भी आते हैं जो लेके जाते हैं। हाँ, वो तो। और मतलब ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब यह बाहर नहीं जाती है यहाँ से सामान, जैसे रायपुर बिलासपुर वगैरह रायपुर जाती है? अच्छा, तो चलिए। हाँ, मेन कार्यालय। और यहाँ से जितने दीदी लोग जो काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिए हैं? हाँ, इनको ट्रेनिंग दिया है 3 महीने का, उसके बाद अभी ये ठेके पे काम कर रही है जी। मतलब यहाँ से काम करने के बाद? नहीं, अब ये यही काम करेंगी। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को बर्तन क्या क्या हैं, क्या क्या बना रही हैं दीदी, वहाँ पे लेकर चलती हूँ आप लोग को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप लोग प्लीज़ यहाँ आइएगा। आप लोगों को भी चाहिएगा कॉन्टैक्ट में तो ज़रूर यहाँ का एड्रेस सब मैं फिलअप कर दूँगी जी। वाह, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा और 1 कप बन के तैयार है। वाह दीदी, एक दिन में कितने मिट्टी के कप बन जाती हैं? 1200 है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 मिनट में इतनी ज़्यादा यहाँ पे बन रही है, प्लेट बन रही है। दीदी प्लेट बनाइएगा। ओके, वाओ,
उसको सब डिज़ाइन देना पड़ता है। वाह, बन के तैयार है। वाह, वेरी गुड। आप भी क्या बना रही हैं? आप कप बना रही हैं? इनका भी वही है, ये भी। आप क्या बना रही हैं? कटोरी कप। क्या चीज़? वाह, चुस्की, गर्मी के लिए। वाह दीदी, चुस्की बना रही है, देखते हैं कैसे बनाती हैं ये। इनका भी एक मिनट से बहुत कम समय में बन के तैयार है। वाह, और इधर यहाँ रख रहे हैं, कितना दिन लगता है दीदी? कितना दिन लगता है सूखने में? तुरंत सूख जाता है। वाह, इसमें मिट्टी कौन सी यूज़ करते हैं सर, बता दीजिए। इनसे मिलिए, आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुदामा राणा है। मतलब क्या करते हैं आप? मैं लोगों को सिखाता हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया सिखाता हूँ जी। और अभी मिट्टी कौन सी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं? मिट्टी अभी लाल मिट्टी, जो जी खपरा उपरा बनता है वो जी, सिंपल मिट्टी। ओके, और वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है वाली? पहले खेत से हम लोग मिट्टी लाते हैं, फिर उसके बाद जो बॉल मिल है उसमें डालते हैं। देख लीजिए, बॉल मिल। हाँ, बॉल मिल में करते हैं, मिट्टी डालते हैं। हाँ, मिट्टी डालते हैं खेत से लाके, और फिर ग्राइंडिंग होता है। हाँ, ग्राइंडिंग होने के बाद, ग्राइंडिंग होने के बाद नीचे हौदी में इस प्रकार छनाई होता है इसमें। अच्छा, और छनाई होने के बाद इसमें कंकर निकल जाता है जी, कंकर वगैरह पूरा निकल जाता है, प्योर चिकनी मिट्टी आता है। इसे गड्ढे से जाता है। हाँ, और गड्ढे से होते हुए पंप के द्वारा, ये हमारा फिल्टर प्रेस मशीन है और इसमें मिट्टी फिल्टर होता है। हाँ, पानी अलग और मिट्टी, मिट्टी अलग हो जाता है। इस प्रकार हमारा टाइट मिट्टी निकलेगी। अच्छा, इसके यहाँ से? हाँ, यहाँ से देख लीजिए, इस दोनों के बीच में मिट्टी का सेट निकलेगा। अच्छा, उसके बाद सेम वैसी मिट्टी निकलेगी आपको। और फिर मिट्टी लाने के बाद इसमें हम लोग फटाई करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ये हमारा पग मिल है। पग मिल होने के बाद फिर बनाया जाता है कुल्हड़ वगैरह। तो रेडी है, रेडी है, माल तैयार है आपका। ये तो बनाने के प्रक्रिया के बाद हम लोग जो भी सामान बनाते हैं उसको फिनिश में लाते हैं। अच्छा, फिनिशिंग के लिए है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फिनिशिंग। देख लीजिए, दही हंडी है आपका। हाँ, ये टी पॉट केटली है। हाँ, देखिए गुल्लक, गुल्लक है। हाँ जी, ये थाली, थाली, चम्मच, चम्मच और कटोरी जी। इस प्रकार से बहुत सारे आइटम बनाते हैं जी। मतलब जो डेली यूज ऑफ हमारे घर में जो अवेलेबल रहती है वो सारी चीज़ें बनाते हैं, पूरा मिट्टी से। हाँ, पहले हम लोग जो आकृति दिए रहते हैं मिट्टी का, पहले उसको टेस्ट करते हैं ताकि वो कितने टेम्परेचर में पकता है। चलिए, ये हमारा टेस्ट फर्नेस है, इसमें माल पकाया जाता है। ये देखिए माल पका हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग भट्टी। टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट कैसे समझ में आता है, कैसे पका हुआ पूरा हुआ नहीं? जब तक लाल न हो, लाल और उसके बाद थोड़ा सा पीट के देखते हैं, टन टन की आवाज़ आती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बड़े भट्टी में डालते हैं। ये अपना टनल भट्टी है, यहाँ से पुशिंग होता है और पुशिंग होने के बाद वहाँ से निकासी होगा। हाँ, तो और मतलब क्या बिजली से सब चलती है? हाँ, बिजली और डीजल से। देख लीजिए, बिजली और डीजल से पकाते हैं। ये हमारा माल तैयार हुआ है, पका हुआ माल, देख लीजिए आप। उधर से पुश होता है, पुशिंग होने के बाद वहाँ से निकलता है। देख लीजिए, सजा हुआ है अंदर से। हाँ, वहीं से निकलेगा और निकलते हुए इधर से खाली करते हैं। खाली करने के बाद इस प्रकार माल निकलेगा हमारा, और तैयार होने के बाद हम लोग अपन बेचते हैं।
ये तैयार है, मतलब ये जो सामने दिख रही है वो पूरा रेडी है, रेडी मतलब मार्केट में जाने के लिए रेडी है। ये देखिए इसकी मजबूती देखिए, वाओ, देख लीजिए मजबूती, मजबूती है। हाँ, इसमें मैं खुद गिरा के देखती हूँ। अरे वाह, मतलब मजबूती है, मतलब इन सारे प्रोसेस की गुजरने के बाद इतने रिजल्ट ये आया। हाँ, रिजल्ट ये आता, बहुत ही अच्छा है ये तो। और ये सब क्या है? थाली है, सारे प्लेट है जी, इसमें नाश्ता के लिए है। हाँ, और खाना के लिए। हाँ, ये दाल बाउल है, दाल बाउल है, सब्जी थाली, कुछ भी मतलब रख सकते हो उसमें। ये हांडी है दाल पकाने के लिए, चावल भी पका सकते हैं। अच्छा, ये मतलब कि आग पे जल सकता है ये? हाँ, आग गैस दोनों तरीके से पकता है, दोनों भी। हाँ, अगर यहाँ इसकी प्राइस क्या क्या होगी, अगर यहाँ से हम लेना चाहिए तो लेना चाहे तो? थाली सेट 300 का आता है, उसमें 3 बड़ा कटोरी, 2 छोटा कटोरी, 1 गिलास और 1 चम्मच रहता है। और हंडी का प्राइस है 200 रुपये है, और हमारा पानी बॉटल 200 रुपये। पानी बॉटल भी है? पानी बॉटल भी है, ये देख लीजिए पानी बॉटल आपका, पानी बॉटल, ये ठंडा रहता है इसमें। हाँ, मतलब घड़े की तरह, घड़े की तरह। वाह, और एक कप देख लीजिए हमारा। हाँ, ये कप है, हम लोग 30 रुपए पर पीस बेचते हैं। अरे कटोरी सब्जी खाने के लिए। हाँ, बस इतना ही है अपने पास माल। और वो देख लीजिए हंडी है, दाल हंडी, वाह, दही हंडी। हाँ, दाल हंडी है, दही हंडी है, और इसे इस पूरे बर्तन को अपन मतलब कि आग पे रख के खाना पका सकते हैं। हाँ, खाना पका सकते हैं, वैसा है, यूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार धो मांज के मतलब रख भी सकते हैं। मैं सौरभ कुमार, पर्यवेक्षक माटी कला केंद्र, जिला सूरजपुर। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए यहाँ, विजिट कीजिए, और आप लोग को जो चाहिए वो मिलेगा, किचन से संबंधित जितने भी सामान हैं वो सिर्फ प्योर मिट्टी के मिलेंगे। और आप आइए, विजिट कीजिए, और आप अपने पसंद से जितना मात्रा में आप चाहिए, जितने क्वांटिटी में चाहिए, क्वालिटी अच्छा है, हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने वीडियो में देखा, और आप मेरे से संपर्क करिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है, आप आइए और विजिट कीजिए, थैंक यू। तो आप लोग देखें भैया कितने अच्छे से बताए हैं, तो आप अगर आप लोग प्लीज़ अगर आना चाहते हैं यहाँ पे, अगर भारी मात्रा में जितना भी मात्रा में अगर आप लोग सामान लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग आइए और यहाँ विजिट कीजिए और सामान लेकर जाइए। तो ये पता है आप लोगों को, छत्तीसगढ़ में ये दूसरे नंबर पे हैं, पहला में है महासमुंद, दूसरे में है ये केनापारा विश्रामपुर, तीसरे में है धमतरी, चौथे में बनने वाली है अभी दंतेवाड़ा में। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में प्लीज़ फॉलो करिए, कंचन देवांगन ऑफिशियल 68 के नाम से। मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओके, टाटा बाय बाय।